अरे भाई, नंगे पैर क्यों चल रहा है? अरे यार, मेरी रास्ते में चप्पल टूट गई। अरे कैसी बातें कर रहा है, ले तू मेरी ले। अरे ना भाई, रेंदे में चला अरे जाऊंगा। ले यार। अरे रेंदे यार। अरे ले, तू दोस्त है मेरा। थैंक यू भाई यार। तो दोस्तों, यह केवल एक मीम नहीं, यह कांग्रेस की एक डार्क रियलिटी है। कांग्रेस ने हमेशा देश की जनता का प्रयोग किया है, उनको लूटा है और इस देश में बड़े से बड़े घोटाले किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम उनके कुछ प्रो लेवल के घोटालों के बारे में बात करेंगे, और क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाले हैं तो देखेंगे कि किस प्रकार गांधी फैमिली के लिए छत्तीसगढ़ सिर्फ एक ATM बनकर रह गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक ATM की तरह है। तो भाई, छत्तीसगढ़ में अभी राहुल गांधी आए थे युवाओं के साथ संवाद करने के लिए, क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। परंतु गंभीर बात यह है कि अभी उनके विरोध को मेन स्ट्रीम में दिखाया ही नहीं जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां पर जगह जगह पोस्टर लगाए गए ATM की सरकार, परंतु इन चीजों को मेन स्ट्रीम में दिखाया ही नहीं जा रहा है। मैं पूछने आया हूं भूपेश बघेल को, एक बार आपकी 10 साल की सरकार और हमारी 10 साल की सरकार का हिसाब किताब रख लीजिए छत्तीसगढ़ की जनता के सामने। जनता अपने आप तय कर लेगी। हमारी 15 साल की सरकार का एक तिहाई काम भी, अरे एक तिहाई का एक तिहाई भी अगर आपने 5 साल में करा है तो शासन पर आपका अधिकार बनेगा। परंतु आपने 5 साल में घपले, घोटाले, अत्याचार और लूट खसोट करने का काम किया, गांधी परिवार के ATM बनने का काम किया और गरीबों के पैसे लूटने का काम। मित्रों, आज छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही भयंकर शराब में लूट के विषय को आपके सामने रखने के लिए मैं उपस्थित हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो एक्साइज में लिकर सेल होती है, बिक्री होती है शराब की, जिस पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, उसको एक सिंडिकेट बना के किस तरह से 2161 करोड़ की लूट हुई है, जो सरकार को आनी चाहिए थी। और कैसे ये सिंडिकेट चलता है, वहाँ 800 शराब की दुकानें हैं, सारा कुछ राज्य के द्वारा कंट्रोल होता है, प्राइवेट को जगह नहीं होती है, उसमें कितनी षड्यंत्र करके इस लूट को अंजाम दिया गया, जिसका एक बड़ा हिस्सा इस लूट का वहाँ के राजनीतिक लोगों के पास जाता था जो सत्तासीन है। कोयला घोटाले की, जिसको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़े मामले में यह बड़ा फैसला लिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को दोषी ठहराया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। IPC की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है। देखिए, मैं भी आज सुबह उठ करके 9:30-10 बजे जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा, मैं लिखित में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आया हूँ। राहुल गांधी, वैसे तो मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा इतना छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक मैंने देखा नहीं था। राहुल गांधी आए, उन्होंने मीडिया वालों को कहा कि कैसे हैं, लोकतंत्र समाप्त हो गया, आप लोग कैसे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त, अब आप लोग प्रश्न उत्तर पूछिए। मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा के प्रवक्ता जो है वो कांग्रेस की, खासतौर से श्री राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत गंभीरता से सुनते और देखते हैं। अरे गंभीरता के साथ नहीं बहन, मजे लेने के लिए देखते हैं, जीवन में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। छत्तीसगढ़ की कोयला घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप लगे हैं। रायपुर के महापौर एजाज देवर के भाई शराब कारोबारी अनवर देवर को ED ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने इन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी?
तो दोस्तों यह तो सबको पता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है, भारत की तरक्की हो रही है, परंतु अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। यह सब पता होते हुए भी कि वो एक स्कैमर है या फिर बेल पर बाहर है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन लोगों की समझ का, और यह अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कितना वो देश का भला करेंगे जो खुद बेल पर बाहर हैं। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? IPL का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर प्रॉन सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।